नमस्कार, ये जो वर्ड है टफ, अगर इसके लेटर्स को डिक्शनरी में जिस तरीके से अरेंज किया जाता है उस तरीके से अरेंज करेंगे तो इसका रैंक क्या होगा, इसको फाइंड आउट करने का एक शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि अगर डिक्शनरी में लिखा जाएगा तो सबसे पहले जी से शुरू होने वाले सारे शब्द लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे आप मतलब जी को रैंक वन मिला है। उसके बाद फिर एच से जो वर्ड्स बनेंगे उसको देखे जाएंगे, फिर उसके बाद ओ से जो बनेंगे उसको देखे जाएंगे, फिर टी से जो बनेंगे उसको, फिर लास्ट में यू से जो बनेंगे उसको देखे जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से जैसे डिक्शनरी में रैंकिंग होता है ना, लेटर्स का, उस तरीके से हमने रैंक प्रोवाइड कर दिया। अगला जो ट्रिक है वो ये है कि टी का रैंक 4 है और टी के राइट में 4 से कम रैंक वाले जितने भी लेटर्स हैं उसकी संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ओ है, जी है और एच है, 3 ही हैं। ओ के राइट में 3 से कम रैंक वाले जी और एच तो 2 हो जाएंगे। यू के राइट में यू से कम रैंक वाले, तो यू का रैंक 5 है, जी और एच का 2 है, ठीक है। जी के राइट में जी से कम रैंक वाले एक भी नहीं, एच के राइट में एच से कम रैंक वाले एक भी नहीं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिक है वो ये है कि यहाँ पे फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4 आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 3 × फैक्टोरियल 4 प्लस 2 × फैक्टोरियल 3 प्लस 2 × फैक्टोरियल 2 प्लस 0 × फैक्टोरियल 1 प्लस 0 × फैक्टोरियल 0 एंड एट लास्ट आपको क्या करना होगा, 1 ऐड कर देना होगा वो फाइनली इस वर्ड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 24 × फैक्टोरियल 4 कितना, 24 × 3 = 72 प्लस 6 × 2 = 12 एंड प्लस 2 × 2 = 4 एंड प्लस यहाँ पे ये तो 0, ये तो 0, फिर लास्ट में एक 1 आ जाएगा ये। तो टोटल आपका कितना हो गया, 72 + 12 कितना, 84 + 88 एंड +1 = 89। लेकिन इस ट्रिक में एक बात का ध्यान आप अवश्य रखिएगा कि यहाँ पे जो भी लेटर्स हैं नॉन रिपीटेड है, कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं करता है। अगर रिपीट करेगा तो क्या करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। लेकिन फिलहाल आपको एक सवाल देता हूँ, उसका रैंक, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड सचिन, ठीक है। इसको अगर डिक्शनरी में लिखेंगे तो इसका रैंक क्या होगा, इसको कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें। इसमें भी एक भी लेटर रिपीटेड नहीं है, जब लेटर रिपीटेड होगा तो उसका क्या शॉर्ट ट्रिक है, उसको लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।